हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 मार्च को आपका पेपर रहने वाला है स्टूडेंट्स भूगोल का। तो सभी कक्षा 11 वाले बच्चे आ जाइए इस क्लास में। ये क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कम सॉल्यूशन देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पोलर प्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पृथ्वी का घूर्णन। और कावर्ती और मिलिकॉय को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर यही रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जिसके बाद में इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख ही लेंगे। ठीक है, रिक्तिकतान की पूर्ति कीजिए। भूगोल प्राकृतिक एवं विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, तो जीव यहाँ पर क्या जाएगा खालिस्तान में? जीव विज्ञानों से। चंद्रमा की उत्पत्ति वर्षों पहले हुई, तो 4.51 अरब साल पहले। भारत के विस्तार की उत्तर से दक्षिण दूरी किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे स्थित है, झेलम आपका आंसर होगा। और यहाँ पर इस खालिस्तान में सिंधु पंच नद में शामिल नहीं है। ठीक है, सिंधु लिखा है, ये ध्यान रखिएगा सिंधु है। ठीक है, साफ साफ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ये सिंधु है, ये झेलम है, ये 3214 किलोमीटर है, ये 4.51 अरब साल है, ये जीव है ना, सुन भी लीजिएगा। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, चलिए सत्यापत्य देख लेते हैं। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। ठीक है, सत्य। नर्मदा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, असत्य। हिमालय पर्वत भारत का प्राचीन पर्वत है, असत्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सत्य। और वैश्विक स्थितिक तंत्र जिसे हम GPS स्थिति ज्ञात करने वाला उपकरण है, सत्य। और भारत के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, असत्य। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देखेंगे। अब जोड़ी देख लेते हैं, कार्ल रिटर, तो इसको मिलाओगे आप प्रादेशिक भूगोल, और वान हनबोल्ट, इसको मिलाएंगे आप विषय वस्तुगत क्रमबद्ध समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल। भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और लूनी नदी अरावली के पश्चिम में। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे जिसके बाद में एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देखेंगे। पेंच टर्न कर लेते हैं, उसके बाद में रहेंगे सभी आपके एक शब्द में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? और पश्चिमी तटीय मैदानों के दो विभागों के नाम लिखिए बताइए। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? सभी जानते हैं। भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? और कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को किससे जोड़कर मानचित्र बनाया जाता है? ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने वन वर्ड में देखेंगे। और उसके बाद में उससे पहले ये सभी क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे, चिंता ना करें।
उससे पहले आप सभी दो दो नंबर के इन प्रश्नों को देख लीजिए, दो दो नंबर के सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो इनको पूरा कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और इनके आंसर देखेंगे, ठीक है? देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद में बाकी क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखेंगे, 16, 17, 18, 19, 20 देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चनों का अच्छे से हल कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका सोल्व आप लोगों को करवा दिया है। अब जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं आप खुद उनका, अगर वैसे तो आप लोगों को आंसर याद होंगे, नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, ठीक है? और अपने सभी कक्षा 11 वाले बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सभी को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।